हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, और उस जगह का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं रास्ते में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। और हम लोग एक जगह और जाएंगे, गुमला, और गुमला के बाद फिर हम लोग वहाँ पे जाएंगे उस जगह पिकनिक मनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है वो, और वहाँ पे ना हम लोग अभी खाना बना के सब लोग रख लिए हैं और तीन फैमिली मिल के जा रहे हैं और काफी मजा आने वाला है। तो मैं मिलती हूँ फ्रेंड तैयार होने के बाद में। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मैं जस्ट नहा के आई हूँ और रेडी नहीं हुई, अभी कंघी करना बाकी है। तो कंघी करके मैं तैयार होके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर बताती हूँ क्या कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ तैयार, और तैयार होके मैं बाहर निकल गई हूँ और सबका वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया है। और ये हम लोग का गाड़ी है, और यहाँ पे उधर बाजू में भैया लोग का गाड़ी है। तो हम लोग दो गाड़ी में जाने वाले हैं, और अभी दो लोग और आने वाले हैं। तो उन लोग अभी आए नहीं हैं, तो उन्हीं लोग का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर हम लोग निकल जाएंगे। और अंकी आज घर में रुका हुआ है, घर की देखरेख करेगा वो। फ्रेंड्स, इन लोग भी आ गए हैं, और ये है कविता और ये उनकी मम्मी। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे देखो ये बाबू भी बैठे हैं। क्या खा रहे बाबू? और ये इधर कविता है। क्या खा रहे हो बेटा? एप्पल बोलो। अब यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है हम लोग जहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं या लेट से पहुँचते हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बाघ मुंडा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बाघ मुंडा पहुँच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे ना बहुत धूप लगी है, इसलिए मैं अपने दुपट्टे को ना ऐसे ओढ़ ली हूँ धूप की वजह से। मेला जैसे कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और हम लोग ना उन लोग का वेट कर रहे हैं, जो कि खाने पीने का जो जितना भी सामान है सब लोग उन लोग पकड़े हुए हैं, तो लाएंगे। तो हम लोग सोचे हैं कहीं पे बैठ के अच्छे से खा लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे उधर और आगे। देखो ऐसे कुछ मेला टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सब लोग खाना बना रहे हैं। ये देखो कितना भीड़ लगा हुआ है। अच्छा, रेत है टाइप का, और मोटर के आगे बोल रही ना, रेत है। पहले खा लो फिर। पहले खा लेते हैं। बैठ गई है बेचारी बेचारी आंटी, खा गई। बाबू सो रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग को ना मिल चुका है खाने वाला जगह, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं खाने का एक जगह मिला, क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग कब्जा कर लिए हैं खाने वाले जगह को। तो हम लोग ना जा रहे हैं एक जगह, और बाबू सीढ़ी है ना, चढ़ा नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद घूमने वाले हैं फ्रेंड्स। पूरा म्यूजिक चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, और ना यहाँ पे हम खाना निकालेंगे। ये देखिए, आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, और ये देखिए कितने सारे लोग, और ये रहा हम लोग का खाना। अरे खाना दिख नहीं रहा है जी। यहाँ फ्रेंड्स खाना, यहाँ पे मालपुआ है, और यहाँ पे सब्जी है, और यहाँ पे टमाटर चटनी है, और यहाँ पे मिक्स वेज है मटर का, और रोटी भी था। ये देखिए रोटी बेटा। तो इतना सारा सब लोग हम लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये देखिए मम्मा का हिस्सा नहीं मिला। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। पूरा रेत ही रेत है यहाँ पे, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए पूरा रेत है, और उन लोग वहाँ पे बैठे हैं। अब मैं नदी में जा रही हूँ। नदी का पानी गहरा नहीं है, बहुत ही कम है यहाँ का जो पानी है वो। यहाँ खूबसूरत सा नज़ारा, और सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। ठंडा है क्या? अरे ठंडा है, सब लोग तो बोल रहे थे ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है। चलो ना जी, उधर जाएंगे वो वाले
और ये मोहतरमा ये देखो पोज कैसे मार रही है और ये दोनों मोहतरमा पोज मार रही है, ए रायपुर वाली हीरोइन इन लोग देखो पोज मार रहे हैं। अरे ये देखो दारू दारू की बोतल, दारू की बोतल जा रही है, देखो ये देखो दारू की बोतल जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना नदी है और नदी का पानी कितना साफ है और हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं अभी। और ना कभी देखो कितना ठंडा पानी है, हम लोग ठंडे ठंडे पानी में आ रहे हैं, अच्छी हो रही है। आंटी कितना अच्छे से एंजॉय करती है, हम लोग ना पानी के अंदर जा रहे हैं, देखो आंटी है ना आंटी, तो चलिए आंटी हम लोग चलते हैं एक बार पानी के अंदर। हाँ डुबकी मार के हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, ये देखो पानी और हम लोग ना पानी में जा रहे हैं। आजी, आजी, यार ये कपड़ा ना ठीक नहीं है बड़ा सा। और देखो यहाँ पे ना आई बहुत ठंडी है जी, पानी बर्फ जैसे है, मम्मी बर्फ है जैसे है आंटी पानी में। जिधर पानी कम है ना उधर देखो कितना ठंडा पानी है, कितना ठंडा। अरे फ्रेंड्स कितना शानदार नजारा, हम लोग ना देखो ये वाला नदी को पार कर चुके हैं और आ गए हैं यहाँ। कविता वहाँ पे बैठी है फ्रेंड्स और ये देखिए नदी का नज़ारा। और यहाँ पे इतना भीड़ है, आज का दिन है और ना हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, काफ़ी सब लोग डीजे वगैरह ला के यहाँ पे, ये देखो डीजे वगैरह सब लोग ला के कैसे पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे। और मैं रील्स भी बनाऊंगी अभी बहुत अच्छे से। और ये देखिए फ्रेंड्स क्या गोवा जैसे यहाँ पे सारे लोग जो है गोवा की तरह शूटिंग कर रहे हैं और सब लोग ऐसे बैठे हैं बीच में जैसे बैठते हैं ना उस टाइप से। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा ये देखिए। और हम लोग उस वाले नदी के पास में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हम लोग देखो वहाँ पे कितने सारे लोग वहाँ पे डांस वांस कर रहे हैं, डीजे लगा है वहाँ पे बहुत सारे लोग, ये देखो डीजे से डांस कर रहे हैं बच्चे लोग। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, यहाँ का नजारा है ये देख सकते हैं, इतना ज्यादा चारों का फोटो सेल्फी लेती हूँ। ये देखिए सब लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पे और ना डांस भी कर रहे हैं, डीजे लगा हुआ है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ काफी ज्यादा इंजॉय कर लिया है और सब तरफ घूम के देख चुके हैं, बहुत मजा आया यहाँ पे। आंटी को भी मजा आया है ना आंटी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखो इधर आके। हाँ आंटी को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आ गया। हम लोग ना आंटी को ही घुमाने के लिए एक्चुअल में लाए थे क्योंकि ना ये बहुत दूर से आई है मनेन्द्रगढ़ से, यहाँ जिला मनेन्द्रगढ़ से आई हुई। हाँ तो इनको ना इन्हीं मतलब इनके लिए खास आए हैं हम लोग, इनको घुमाना था और कुछ काम भी था तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और आंटी को बहुत अच्छा लगा यहाँ ये जो नज़ारा है उसको देख के और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब यहाँ पे फिर से पानी आ गया है तो कपड़े को उठा लेते हैं फ्रेंड्स क्योंकि भींग जाएगा ये देख। और शाम भी हो रही है तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी हम लोग गुमला भी चलेंगे। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी जंगल ही है, पूरा जंगल जंगल है और पूरा पिकनिक यहाँ पिकनिक ही बना रहा सब लोग आज ना, पूरा 90% लोग चिकन बना हुआ है यहाँ पे, सब लोग चिकन खा रहे हैं। और भैया मांगने जा रहे हैं चिकन, ऐसे बोल रहे हैं लोग मजाक कर, चिकन बना रहे थे एक कटोरी दे दी। हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी।
फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं रंगोली ढाबा में और हम लोग यहाँ पे ना खाना खाने जाने वाले हैं क्योंकि गुमला से निकलने में हम लोग को टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद घर जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद घर चलेंगे और घर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने गुमला से क्या खरीदा। तो फ्रेंड्स कल मैं गुमला से आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि रात बहुत हो गई थी और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई कि मैं क्या लाई हूँ। और सॉरी मैं अभी भी दिखा नहीं पाऊंगी। और अभी मैं कुछ नहीं लाई हूँ, दो साड़ी लाई थी उसको मैं दिखाने वाली थी लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर कभी दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स मुझे अचानक से फिर कहीं जाना पड़ रहा है तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती होगी मेरी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।